नाम जपते जपते मंदिर की तरफ जाइए, परिक्रमा करने के बाद वहां से जब वापिस आते हैं तो मंदिर की परिक्रमा ही नहीं हुई, आपके घर तक की परिक्रमा हो गई। वहां की शांति, वहां का प्रेम, वहां का आशीर्वाद लेकर घर लौटे हो। इसलिए जाते समय भी नाम जपते हुए जाना, रास्ते में मिलेंगे कोई ना कोई, सिर झुका के प्रणाम कर लेना। उस समय और दुनिया से जुड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया के मालिक से जुड़ना है। बहुत लोग नंगे पांव जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उस समय केवल प्रभु की वाणी बोलते हुए जाओ। और जब वहां से आए हो तो वो प्रसाद जो मन में बैठा है, जो आशीर्वाद लेकर आए हो, वो घर तक लेकर आओ, दुकान तक लेकर जाओ। अगर उस समय भी आपने निंदा चुगली शुरू कर दी, मंदिर के पॉलिटिक्स में पड़ गए और वहां की बातें करनी शुरू कर दी, तो गए थे हरि भजन के लिए, लेकर आ गए कुछ और। लोग हॉस्पिटल में जाकर बीमारियां छोड़ के आते हैं, सेहत लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल से बीमारी लाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी अशांति मंदिर में फेंक कर वहां से प्रभु की कृपा और शांति आनंद लेकर अपने घर में आते हैं। कुछ लोग अपने घर की शांति लेकर मंदिर में जाते हैं और वहां की अशांति लेकर अपने घर में आते हैं। आदत खराब है, वहां भी झगड़ों में पड़ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत लोगों को खुला मैदान दे दो और आप ये कहकर भाग जाओ, हम तो शांति की तलाश में आए थे, यहां भी गलत लोग घुस गए। गलत को निकाल के बाहर खड़ा करो। गलत आपके घर में नहीं, गलत आपके मन में नहीं, गलत कोई भी आसपास हो, सुधारना तो होना चाहिए। लेकिन यह बात जरूर ध्यान रख लेना कि सुबह ही शांति स्थापित करो मस्तिष्क में और अपने आप को काबू करना सीखे। तो नियम क्या है, नियम बताने लगा हूं जिसपे आप लोग ध्यान देंगे। प्रयोग करना है आपने हर दिन। मैंने थोड़ी सी कड़वाहट पी, अपने रिश्ते को निभाया, ना समझ आएंगे, समझते नहीं, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि मेरा रिश्ता कीमती है, मैं कीमती नहीं, मेरी अकड़ इतनी कीमती नहीं है जितना मेरा रिश्ता कीमती है। अगर मेरे झुक जाने से मेरा रिश्ता बचता है तो झुक जाना बहुत अच्छी बात है, अकड़ने में कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ही आप ये समझते हैं, फिर उसके बाद आपके मन में आता है रियलाइज तो कराना है, लेकिन कैसे, तरीका ढूंढेंगे, समय आने दो, एक बार प्यार से बात करेंगे। तो फिर आप प्यार से बात करते हैं, उनको नीचा नहीं दिखाते, आप गलत फहमी को बहुत सावधानी से निकालते हैं, समझाते हैं। वो रियलाइज करता है, उसको लगता है गलती हुई मुझसे, रिश्ता और गहरा हो जाता है। जहां किसी को छोटा दिखाने शुरू हो गए आप, रिश्ता नहीं टिकेगा। बहुत लोग अपनी जिंदगी में इतना तनाव लेके बैठ जाते हैं, वो तनाव इतना हो जाता है कि अब किसी से बात करेंगे और थोड़ी देर तक तो अपने आप को ढके रखते हैं, उसके बाद ज्वालामुखी फटता है उनका, एकदम इतने गुस्से में बौखलाना शुरू हो जाएंगे। लोग कहते हैं हुआ क्या है, बात क्या कही है, इतना क्या कह दिया, आप तो इतने फट पड़े। आप नहीं जानते वो आदमी कितना तनाव लेकर अंदर भर के बैठा हुआ था। उन लोगों को देखा होगा जो अकेले बड़बड़ा रहे होते हैं। हर आदमी आत्मसंवाद करता है, ये ध्यान रखना, अंदर अंदर आपकी एक बात चल रही होती है। जैसे मैं जो आप बोलता जा रहा हूं ना, आप सुनते जा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आप अपने से बात भी करते जा रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है, ऐसा हुआ था, वहां भी हुआ था, फिर मैं अगली बात कहता हूँ, फिर आप अपने से बात करते हैं। आपके अंदर एक बातचीत चल रही है, अभी भी चल रही है, हर पल चलती है। लेकिन वही बात जब ज्यादा तनाव में आप आ जाते हैं और आप अकेले होते हैं, तो जो आप अपने से अंदर अंदर बात कर रहे थे, फिर आप बड़बड़ाते हुए बात करते हैं। मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा कमरे में, उसने कुछ हाथी, कुछ घोड़े, कुछ खिलौने, कुछ रींच, कुछ बंदर, वो सब इकट्ठे किए हुए हैं, कुछ राक्षस की शक्ल के खिलौने रखे हुए, और वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, उनको लड़ा रहा है, बहुत बहुत कुछ बोल रहा है। मैं खिड़की से देख रहा हूं उसको, और मैं देखता हूं वो सबकी भाषा बोलता है, बंदर की भी आवाज निकालता है, शेर की भी निकालता है, फिर राक्षस वाली आवाज निकालता है। पता लगता है बच्चा खेल रहा है।
उसकी आवाज इसलिए सुनाई दे रही है कि जो हमारे मनों में चला करती है बात, वो उसकी बाहर चल रही है। ऐसे ही बच्चे बोलते हैं, बड़े होकर आप सावधान हो जाते हैं। बच्चा तो बोल बोल के वो बात कह लेता है, फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके अंदर क्या बातचीत चल रही है वो अंदर चल रही है, बाहर पता नहीं लगती। लेकिन जब आदमी बहुत तनाव में आ जाता है, पागल हो जाता है, तब आप ध्यान देना, सड़क पे घूमता हुआ पागल कुछ बोल रहा होता है, घूमता हुआ चीखता चिल्लाता हुआ, वो उसके अंदर जो बात चल रही है वो अंदर नहीं चल रही होती, फिर वो बाहर चल रही होती, पागलपन बाहर आ जाता है, तनाव ने उसको वहां ला के खड़ा कर दिया। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में एक सफल संवाद करते हैं, सही बातचीत अंदर करते हैं और मस्तिष्क को रखते हैं शांत, वो ध्यान रखना, फिर आपके अंदर से प्रेम प्रकट होता है, प्रसन्नता प्रकट होती है। आप पहचान नहीं पाओगे, आदमी पागल होता है लेकिन बड़ा बुद्धिमान होता है, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी करता है, लगता नहीं पागल है लेकिन पागल होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, डॉक्टर से एक पागल ने जाके बोला, डॉक्टर साहब मेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं जब नहाने बैठता हूं ना, मैं गीला हो जाता हूं, आप कोई तरीका बताओ, मैं नहा भी लूं और गीला भी नहीं हूं। और पागल भी डॉक्टर से पूछ रहा है बड़ी होशियारी से, और डॉक्टर भी पागलों का ही था, उसने कहा भैया ऐसा करना, कल से जब नहाने बैठो तो अपने जो नल की टोंटी है वो बंद करके नहाना, बिल्कुल गीले नहीं होने वाले, आराम से नहा के बाहर आना। वो बातें ऐसी करता है लेकिन ज्यादा तनाव वहां तक लेके जाता है, जिसको सुनने के बाद हंसी आती है। पागल चढ़ा हुआ ऊपर छत पे लटका हुआ, पंखे वाली जगह को पकड़ के लटका हुआ, वो पागलों का डॉक्टर आया, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर मैं बल्ब बन गया हूं, बल्ब। बोले फिर जल क्यों नहीं रहे हो? बोले अभी लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में लाइट आएगी फिर चमकना शुरू हो जाऊंगा, लाइट आएगी तो। लगता है क्या हरकत कर रहा है आदमी, वो तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, शौक लग गया, झटका लगा उसको जिंदगी में, उस नतीजे तक पहुंच गया। आधे पागल तो आदमी बहुत सारे हैं, पता नहीं लगता, लोग कहते हैं सनकी हो गया, बड़ी शांति की जरूरत है आदमी को। एक तरीका देखना बता रहा हूं आप, एक तरीका यह है कि आप सुबह सुबह खड़े होकर के अपना कमरा उमरा बंद कर लेना, हो सके तो बाथरूम में ही सही, दोनों हाथ ऊपर ले जाके, अभी नहीं करना, घर में आप अपने शीशे के सामने खड़े होना और 5 मिनट तक या 5 बार सही, जैसे वो रावण हंसता है ना रामलीला में, तो अपने आप को रावण नहीं कहना, लेकिन बहुत बड़ा अट्ठास करना, बहुत जोर से हा हा करके हंसना जोर जोर से, आपको लगेगा ये क्या पागलपन है। लेकिन एक बात कमाल की होगी, आपका पागलपन बाहर निकाल देगा यार, आपके अंदर खिलखिलाट आ जाएगी, मुंह बना बना के हंसना, जोर जोर से हंस के देखना, थोड़ी देर नकली हंसी हंस करके देखना, दरवाजा इसलिए बंद कर लेना कि लोगों को शक ना हो जाए, आवाज बाहर तो जाएगी, लोगों को शक हो सकता है, पत्नी को तो बहुत जल्दी होता है, उसको लगता है कि लगता तो पहले भी था मुझे लेकिन अब तो यकीन होने लग गया है, है इसमें कुछ दिक्कत है, बात हंसने की है, लेकिन आप नकली हंसी हंसोगे असली में हंसने लग जाओगे, इतना स्ट्रेस निकलेगा आपके अंदर से। ये योग निद्रा कराई जाती है ध्यान में, आपके अंदर का एक एक करके तनाव बाहर लेकर आते हैं, लेकिन खिलखिला के या बहुत जोर से एक बार हंस के देखना, आप अकेले भी टहल रहे हो और कोई नहीं हो, एक दो बार हरकत कर लेना, हो सकता है कोई दूर से देख ले आपको और समझ जाए कि इसमें भी है कुछ बात, अगर दुनिया की परवाह करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि ये बात ध्यान रख लेना कि आप नीचे गिर जाओ, गिर के देखना, नहीं गिरना, कोई नीचे गिर जाए उठाने के लिए कोई नहीं आता,
लेकिन कोई ऊपर चढ़ जाए, ऊंचाई पर पहुंच जाए, गिराने के लिए न जाने कितने कितने लोग आ जाते हैं, चोट देने के लिए कितने लोग आ जाते हैं। ये दुनिया आपकी मुस्कुराहट को देखकर भी इनको फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्हें आपको घुटनों के बल झुकाने की आदत है। किसी को हंसता खुश होता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन आप इनके भरोसे जिंदगी नहीं जीना, अपने भरोसे जीना। हंसना भी है, खुश भी रहना। मुझे ध्यान आता है गोरखनाथ की वाणी, कृष्ण भगवान जो यहां कह रहे हैं ना, प्रसादम अधिगच्छति, व्यक्ति प्रसन्नता को, आनंद को प्राप्त कर जाता है जब वो अपने अंतकरण को अपने काबू में लाता है, अपने जज्बात को काबू में लाता है। तो गोरखनाथ ने कहा था, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, हंसी बा खेली बा रही बा रंग, काम क्रोध न करी बा संग। हंसना खेलना मस्त रहना ये तो जरूरी है, हंसना भी खेलना भी मस्त भी रहना ये तो जिंदगी में जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस बीच में ईर्ष्या द्वेष क्रोध मजाक उड़ाकर किसी को नीचे आप दिखाना, चोट पहुंचाना, हंसी हो, खुशी हो, मस्ती हो, आनंद हो जिंदगी में, लेकिन किसी को का दिल दुखा के नहीं। क्रोध का व्यापार मत कर लेना, जिंदगी में खेलना सीखो, खेल खेल में कर्म करना सीखो। हंसी बा खेली बा गाई बा गीत, हंसना खेलना गीत गाना उत्सव बना लेना जिंदगी को। दृढ़ कर राखी अपना चित्त, लेकिन अपने चित्त को दृढ़ करके रखना कि उदास ना कर पाए कोई, रुला ना पाए कोई, चोट ना पहुंचाए कोई। अकेले में बैठकर आप अपने दिल में लगे हुए, मन में लगे हुए घावों को सहलाएं और कहें, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने मुझे ये कुछ कहा, ये चोट पहुंचाई। दुनिया अपने ढंग से चलेगी, लेकिन आप व्यवहार बना लो, हंसते खेलते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते। तो आदत ये भी, अकेले आप बैठे हैं ना तो काम अपना कर रहे हैं, तो कोई अच्छी ट्यून मन मन में गुनगुनाते हुए काम करो। जोर जोर से गाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलता रहे कि आप अपनी गीत ध्वनि को अपने कानों में खुद सुने, तो तनाव रहित होकर काम कर पाओगे। क्योंकि जब आप तनाव रहित होकर काम करते हैं तो यह याद रखना कि आपको काम करने का बोझ कभी नहीं थकाता, आपको तो सिर्फ टेंशन थकाती है, आपको तो अंदर जो आता है स्ट्रेस वो थका देता है। आपकी एनर्जी को बाहर काम करते हुए, आपकी एनर्जी को काम, आपका कार्य, आपका वर्क जलाता जरूर है, लेकिन थोड़ा। सबसे ज्यादा तो आपकी एनर्जी बर्न होती है स्ट्रेस से। जब आप तनाव रहित होकर गुनगुनाते हुए काम करते हैं, स्ट्रेस हटाकर काम करते हैं, थकते नहीं। इसलिए शादियों में खुशी होती है, उमंग होती है, 15 दिन से लगे हुए काम में, और आखिरी 3 दिन तो ऐसे होते हैं कि लोग इतना इतना काम कर रहे होते हैं, रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, फिर सुबह उठ के जल्दी दौड़ने लग जाते हैं, और घर के लोग कह रहे हैं, बेटा थोड़ा सो भी जाओ, टाइम पर खा लिया करो, बीमार पड़ जाओगे। वो थकता ही नहीं, कितनी एनर्जी है, खुशी ने ऊर्जा दे दी। और जैसे काम पूरा हो गया, शादी के बाद लोग इतना 3-3 दिन तक आराम करते रहते हैं, सोच के देखिए। वो जो आपके अंदर उमंग है, वो जो खुशी है, उसने आपको इतनी ऊर्जा दे दी, इतना काम आपने जो महीनों तक नहीं हुआ वो आपने 15 दिनों में कर लिया। अगर आपकी ऊर्जा ठीक काम करे, स्ट्रेस फ्री होकर के काम करें, तो जो काम आप अब तक नहीं कर पाए वो थोड़ी देर में कर लोगे, थकोगे भी नहीं, और जिंदगी आपकी आह्लादित हो जाएगी। इसलिए कृष्ण ये कहते हैं, अपने आप से जुड़ जाओ, अपने आनंद से जुड़ जाओ, अपनी शांति से जुड़ जाओ, अपने अंदर जुड़ करके, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रख करके जी करके तो देखो। करना क्या होगा इसके लिए, चर्चा करनी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप थोड़ी देर घर में जाकर जो कुछ कहा गया अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना जरूर।
और ये कहना, मेरी जिंदगी, मैं तुम्हें कहाँ देखना चाहता हूँ, किस ऊंचाई पर, क्या चाहता हूँ मैं तुमसे, मैं किस रूप में तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। आज कुछ विचार मुझे मिले, सोचने के लिए मजबूर हुआ, मेरी बेहतरी के लिए थे, लेकिन मैं अपने जीवन को एक नया रूप देने के लिए तैयार हो गया हूँ। बस उसको आप लिखना और उसकी कोशिश शुरू कर देना। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी और आपकी जिंदगी में जो खुशी आएगी, बस वही मेरी दक्षिणा होगी, वही चाहता हूँ मैं आपसे। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्य प्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है